कोरोना वायरस के अब साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। आगरा की जूता उद्योग पर इसका असर नजर आ रहा है। दरअसल चीन से 15 करोड़ से ज्यादा का कच्चा माल आयात होता है, लेकिन अब ये आयात बंद है, जिसकी वजह से उद्योग को नुकसान हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से चीन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना वायरस का डर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, जिसका असर बिजनेस पर भी पड़ रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस का डर हावी है और इसका असर भी होना शुरू हो गया है। ताजनगरी आगरा पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। आगरा का जूता उद्योग चीन से हर महीने 15 करोड़ का कच्चा माल मंगाता है, लेकिन अब कोरोना की वजह से आयात नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जूता व्यापारियों के साथ साथ निर्यात पर भी असर देखा जा रहा है। कोरोना वायरस एक बड़ी तेजी से फैल रहा है चाइना में, और उसके फैलने से जो इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री है, या जैसे आगरा का उद्योग माना जाता है सबसे बड़ा है इंडिया में, उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जितनी मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। 10-15 बड़े एक्सपोर्टर्स को छोड़ दें तो जितने डोमेस्टिक वाले हैं उनके ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जो चाइना से माल आता है वो एक तो सस्ता होता है, कंपेटिटिवनेस बढ़ जाती है, और जो आजकल हमारे यूरोप में माल जाते हैं वो भी प्राइस कॉन्शियस हैं बायर्स। इसलिए हमें ये लगता है कि चाइना से अगर माल आना बंद हो गया, कोरोना वायरस पे लगाम नहीं लगाई गई, तो हमारा जूता निर्यात होने में भी बहुत प्रॉब्लम है। आगरा के जूतों की यूरोपीय देशों में काफी मांग है और हर साल 3,500 करोड़ रुपए के जूतों का निर्यात होता है और कच्चा माल चीन से आयात होता है। माल आयात करने वाले व्यापारियों का कहना है कि अब कुछ ही दिन का स्टॉक बचा है, अगर जल्द ही कोरोना वायरस पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इंडिया की शू इंडस्ट्री जो है वो चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत सा मटेरियल चाइना से आता है, खास करके जो जूते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए वो भी बहुत आते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये सोल जो ले रहे हैं, ये सोल का जो ये मोल्ड है, ये मोल्ड चाइना से बनता है। अगर ये मोल्ड नहीं आएगा तो सोल भी नहीं बनेंगे, अगर सोल नहीं होगा तो हमारे जूते भी नहीं बनेंगे। इसी तरह से अंदर की जो लाइनिंग है, ये सिंथेटिक लाइनिंग जो है, ये चाइना से बहुत इंपोर्ट होती है, टेक्सटाइल इंपोर्ट होता है, और बहुत सारी छोटी छोटी मटेरियल है जो जूते की इंडस्ट्री में लगते हैं। चीन कोरोना वायरस की चपेट में है और भारत में भी कोरोना के 3 मामले सामने आ चुके हैं। इस डर के बीच बिजनेस पर भी असर देखा जा रहा है और आगरा का जूता उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। चीन से फैले कोरोना वायरस की वजह से ताज नगरी आगरा का जूता उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जूता उद्योग से जुड़े लोग चीन से कच्चा माल आयात करते हैं। जानकारी के मुताबिक जूता उद्योग चीन से लगभग 15 करोड़ रुपए का हर महीने कच्चा माल मंगाते हैं, तमाम तरह के कंपोनेंट चीन से आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस फैलने की वजह से अब इस माल पर रोक लग चुकी है। जूता उद्योग से जुड़े लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर कोरोना वायरस पर रोक नहीं लगती है या इसका कोई इलाज नहीं तलाशा जाता है तो शायद ताज नगरी आगरा के जूता उद्योग को काफ़ी नुकसान होगा। आगरा से शिव चौहान, R9 TV, उत्तर प्रदेश।